हेलो गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग जंगल स्काउट। मीन जंगल स्काउट में हमने किस तरह अपने क्राइटेरिया को लगाना होता है और किस तरह यहाँ से हमने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को फाइंड करना होता है। मीन के हमने यहाँ से प्रोडक्ट्स निकाल के उनको बाद में एनालिसिस करना होता है। लेकिन जंगल स्काउट के थ्रू हंटिंग किस तरह की जाती है, किस तरह यहाँ से हम वर्क स्टार्ट करते हैं, तो वो आज देखेंगे। हमने हीलियम के ऊपर कम्प्लीट बात की थी, आज हम जो है बात करेंगे जंगल स्काउट के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जंगल स्काउट को आपने टूल अकाउंट के थ्रू लॉगिन किस तरह करना है, किस तरह आप जो है उसको लॉगिन करेंगे। जस्ट वन क्लिक है, आपके जो लॉगिन पासवर्ड होते हैं वो आपके टूल अकाउंट में ही होते हैं, तो वो आप जो है लास्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं, आपको जो है कंप्लीट प्रोसेस समझ आ जाएगा। जस्ट वन क्लिक किया, वन क्लिक करने के बाद आपकी जो ये जंगल स्काउट की जो वेब होती है वो लॉगिन हो जाती है। अब ये हमारे पास लॉगिन हो चुकी है, मीन के यहाँ पे अगर ये वाला ऑप्शन आ रहा है तो मैंने इसको आगे लॉगिन नहीं किया, प्रेस नहीं किया, ये खुद ऑटोमेटिकली जो है वो आगे लॉगिन होगी। आगे हमारे पास अब ये हमारे पास जो है वो इंटरफेस आ चुका है जंगल स्काउट का। अब हमारे पास आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे आप देखें तो आपके पास कुछ इस तरह के टैब्स आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट रिसर्च में नीचे प्रोडक्ट डेटाबेस आ रहा है, प्रोडक्ट ट्रैकर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी फाइंडर आ रहा है और कैटेगरी ट्रेंड्स आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट डेटाबेस में जाते हैं, प्रोडक्ट डेटाबेस में जाने के बाद हम इसमें फिल्टर्स लगाते हैं अपनी के हमें हमारे फिल्टर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को दे दो, तो वो चीज हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसा कि हम जाते हैं मीन के आपको जैसा कि हम लगाते हैं फिल्टर उसमें हीलियम की वेब में हम फिल्टर्स लगाते हैं ना, हीलियम की वेब में जैसे ब्लैक बॉक्स होता है, तो सेम उसी तरह हमारे पास यहाँ पे है कि यहाँ पे हमें फिल्टर्स लगाना है। जिस भी मार्केट में आपने काम करना है आपने यहाँ से वो मार्केट प्लेस चूज कर लेनी है। यूनाइटेड स्टेट हमारे पास है, यहाँ से हम कुछ अपनी कैटेगरीज को चूज कर लेते हैं, होम एंड किचन, होम एंड डाइनिंग, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाइज, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। अगर आपने इनमें काम करना है तो आपने इनको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम अपना क्राइटेरिया पुट करेंगे। ये वाला जो हमारा क्राइटेरिया है जो कि लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ, आप एनेबल्स का क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स का कर सकते हैं, मीन के जिस भी अकॉर्डिंग आपने जाना हो तो वो क्राइटेरिया आप फॉलो कर सकते हैं। एनेबल्स का क्राइटेरिया मोस्ट रिकमेंडेड है, कि जो एनेबल्स का अपडेटेड क्राइटेरिया है जो कि 2023 का, आप उसके अकॉर्डिंग जो है पीएल की प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें। ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, इसको हम ले लेते हैं हाई डिमांड लो कंपटीशन, क्योंकि हमने ऐसे प्रोडक्ट में जाना था जिसकी डिमांड ज्यादा हो कंपटीशन कम हो। अब हम प्राइस का जो है मिनिमम रखते हैं 12 और मैक्सिमम इसका रखते हैं 50। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे इसकी स्टार रेटिंग कितनी होनी चाहिए, स्टार रेटिंग इसकी 4.2 होनी चाहिए, और यहाँ पे वेट इसका हम कहते हैं मैक्सिमम 4 LB होना चाहिए, और इसके जो मंथली यूनिट सोल्ड हो रहे हो मीन के 300 आप ले सकते हैं मिनिमम हो, और रेवेन्यू आप इसका लगा सकते हैं 7000, मीन के 7000 इसका जो है BSR होना चाहिए। लिस्टिंग क्वालिटी को आप कर सकते हैं कि भाई लिस्टिंग क्वालिटी इसकी बेटर हो तो आप थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जा सकते हैं लिस्टिंग क्वालिटी को, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे इसको जो है वो सिंपली जो है वो सर्च कर देंगे। बाकी जो फिल्टर्स हैं इसमें सेलर्स का और BSR का, मीन वो हम इसमें इसमें नहीं पुट कर रहे, क्योंकि अगर BSR ज्यादा हमें कंडीशन जो होती है वो उसमें होलसेल में होती है, और उसके अलावा सेलर्स की वो हमारे पास होलसेल में आ रही होती है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स आ गई हैं, अब हमने इनको वन बाय वन इनका एनालिसिस करना है, इनको हमें देखना है, यहाँ से हमने कीवर्ड्स को देखना है कि हम किस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। आपके पास जो है वो काफी रिजल्ट्स आए हैं, मीन के आपको आइडिया नहीं आ रहा था, आइडिया नहीं मिल रहा था आप काम स्टार्ट कहाँ से करें, तो ये टूल्स आपको हेल्प आउट करते हैं कि आपने किस तरह स्टार्ट लेना है। अगर एक पर्सन है, एक पीएल का वी है, उसको समझ नहीं आ रही कि उसने स्टार्ट कैसे लेना है, प्रोडक्ट को कैसे वो देखे, कैसे निकाले, तो वो सिंपली जो है वो जंगल स्काउट या हीलियम को यूज करते हुए वो यहाँ से जो है प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें अगर हमने किसी प्रोडक्ट में जाना है तो ये वाली प्रोडक्ट है, इसको हम जो है वो ओपन करते हैं। अब मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया तो ये अमेजोन के प्रोडक्ट पेज पे ओपन हो गई है। तो ये देखिए अब यहाँ पे आपकी मार्केट प्लेस देख लेनी है, आपने आपकी कौन सी मार्केट प्लेस लगी हुई, इसी तरह आपने जिस भी प्रोडक्ट में जाना है, जो भी प्रोडक्ट को सही लग रही है, आपने जो है वो यहाँ से एक ये देखेंगे ये वाली प्रोडक्ट है तो हम इसको जो है वो ओपन कर लेते हैं अमेजोन पे, इसी को भी ओपन कर लें, ये इसको इस तरह ओपन कर लें। ओपन करने के बाद
आपने यहाँ से इसका एनालिसिस करना है। आप इसका यहाँ से आप कीवर्ड ले सकते हैं। आप यहाँ पे देखें कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, आप इसको देखें इस प्रोडक्ट में क्या जो कि आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बनती है कि नहीं बनती। अब यहाँ से हमने इसका मेन कीवर्ड फाइंड करना है कि हम देख सकें कि भाई इसका कीवर्ड क्या है, क्योंकि इसमें जो है वो काफी मीन इसका टाइटल है, तो हमें यहाँ से इसका मेन कीवर्ड नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हमने इसका मेन कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, आपने सिंपली इसको कॉपी करना है इसका एसन को। एसन जो है अमेजोन का जो है वो स्टैंडर्ड नंबर होता है जो कि अमेजोन अपने हर प्रोडक्ट को साइन करता है, तो वो चीज भी हम अपने बेसिक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज हमारे पास इसका एसन है, इसका जो प्रोडक्ट का हमें एसन दिया गया है, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको हमने क्या करना है, इसको कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है जंगल स्काउट पे। जंगल स्काउट में यहाँ पे आप आ जाएं और जंगल स्काउट में यहाँ पे आप देखें आपके पास एक यहाँ पे होगा टैब होगा कीवर्ड्स में, आ जाएं कीवर्ड स्काउट। हम कीवर्ड स्काउट में जाएंगे, हमने क्या करना है कि हमने जो प्रोडक्ट फाइंड आउट की है हमने उसका मेन जो है वो कीवर्ड निकालना है, प्रोडक्ट जो फाइंड किया इसका एसन हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारी मार्केट यूनाइटेड स्टेट है इसको आप सर्च कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास उस प्रोडक्ट के जो है वो उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसका हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास उसकी कीवर्ड्स आ जाएंगे जिनको हमने देखना है। अब यहाँ पे देखें इसका कीवर्ड कौन सा है, बात बात भी हो सकता है, ये इसने दिया हुआ है बात टब भी दिया हुआ है, बात जो है फकट भी दिया हुआ है, ये भी दिया, मीन के इसके काफी कीवर्ड्स ने हमें दिए हुए हैं जो कि अच्छे जा रहे हैं वो भी बताए हुए हैं, मीन के उनके सामने आपको बता तमाम कैटेगरी भी बताई हुई है, तो वो हमारा मेन कीवर्ड हमें यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे हम मजीद भी फिल्टर्स लगा के इनको हम जो है वो नैरो डाउन कर सकते हैं कि हमने देखे ना भाई हमारी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो आ रहा हो, क्योंकि हम बात कर रहे थे किसकी, टूल हमारी कैटेगरी थी टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की, लेकिन इसमें कुछ हमारे पास बेबी के भी कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो आपने देख लेना है कि आपने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो कीवर्ड फाइंड करना है। यहाँ से ऊपर जो है वो ऊपर फिल्टर भी लगा सकते हैं, ऊपर फिल्टर भी आ रहा है कि आपके जो टाइटल है उसमें कितने जो है वो कीवर्ड होने चाहिए। हम कहते हैं भाई मिनिमम टू तो होने चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरी किस में वो आपको दिखाए वो कीवर्ड हमारे पास थी यहाँ पे, प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे ये वाली टूल्स एंड टूल्स वाली इसको हमने सेट किया, प्रोडक्ट का उनको छोड़ दें, और इसके अलावा हम कहते हैं कि भाई ऐसे प्रोडक्ट यहाँ से निकाल दो, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम ऐसी यहाँ से निकाल दो प्रोडक्ट्स जिनका जो है वो कम हो BSR, मीन के ये तुम्हारे पास आ रहा है एग्जैक्ट मैच मिनिमम बता रहा है कि आपने जो है वो सर्च वॉल्यूम, मीन के सर्च वॉल्यूम 5000 तो होना ही चाहिए, तो अगर आप 5000 यहाँ पे बता देते हो भाई 5000 तो जो है वो होना ही चाहिए मिनिमम, और उसके बाद आप इसको अप्लाई करते यहाँ से इसको अप्लाई करके आप दोबारा भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको फिर देन उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ से आप उसका लेट्स सपोज हमारे पास ये वाला मेन कीवर्ड है, इसको आप अमेजोन पे जाकर देख सकते हैं, तो ये इसका मेन कीवर्ड जो आपके पास निकला है ये इसका मेन कीवर्ड हमारे पास निकल के आया है, ये इसका हमारे पास आ गया है कौन सा मेन कीवर्ड है, ये आपका कीवर्ड है। अब आपने इसका मेन कीवर्ड भी फाइंड कर लिया है कीवर्ड स्काउट से, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो अपना क्राइटेरिया इसके ऊपर मैच करना है, अपने देखना है कि भाई आपने जो प्रोडक्ट फाइंड किया है क्या हमारा जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर मीट करता है। जंगल स्काउट की एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास जंगल स्काउट की जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे वर्क करेगी, अगर तो आपके पास लॉग इन करके देख लें, अगर तो हमारे पास ये रन होती है तो हम इसको रन करते हैं, नहीं तो हम इसके न्यू लॉग इन पासवर्ड अपने टूल अकाउंट से लेके यहाँ पे हम लगाएंगे, वो मैंने आपको कल भी बताया था किस तरह हमें टूल अकाउंट से लेने हैं। ये देखिए हमारे पास जंगल स्काउट की जो एक्सटेंशन है वो रन हो चुकी है, अब हमने क्या करना है कि जो हमारा क्राइटेरिया ये वाला क्राइटेरिया अब हमने यहाँ पे आके ये तमाम क्राइटेरिया अपना देखना है कि क्या हमारे क्राइटेरिया यहाँ पे मैच करता है कि नहीं करता, कि तमाम चीजें हम देखेंगे उसके बाद जाके हम अपनी प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे होता है, हमने कंप्लीट एनालिसिस करना होता है। ये देखिए यहाँ पे एड का ऑप्शन है क्योंकि हीनिया में तो स्पॉन्सर्ड होते हैं, आप इनको जो है वो यहाँ से डिलीट कर देंगे, आपने यहाँ से इनको डिलीट कर दिया क्योंकि हमें ये वाला नहीं चाहिए, तो इस तरह आप यहाँ से जो है स्पॉन्सर्ड को निकाल देंगे। जो कि जंगल स्काउट होता है इस टूल का थोड़ा सा डाटा बेस होती है ना, थोड़ा सा इसके रिजल्ट्स फेचिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे हीलियम आपको फौरन रिजल्ट्स दे देता है, हीलियम जो है उसका डाटा जो उसका स्ट्रॉन्ग है वो उसका डाटा बेस कह सकते हैं, उसको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, कि मीन के बस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू जंगल स्काउट, मीन के उसके रिजल्ट फौरन फैच होते हैं, जंगल स्काउट जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, ये अपने तमाम रिजल्ट्स को जो है वो शो करवाने में जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे आपके पास जो है अभी कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं कुछ रिजल्ट्स नहीं आए तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद जो है आपको तमाम रिजल्ट्स को दिखाता है। तो इसी तरह जंगल स्काउट की जो है आप एक्सटेंशन को रन करेंगे, रन करने के बाद आप अपना ये तमाम क्राइटेरिया जो है इसके ऊपर
फुलफिल करेंगे तो आपका क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो जाएगा। तो ये क्या तमाम चीजें यहाँ पे क्या करनी है, इस तरह आपने जंगल स्काउट को यूज करना होता है। जंगल स्काउट की एक्सटेंशन हमारे पास रन हो रही है, यहाँ पे आप देख लेते हैं आपके जो है वो कीवर्ड लिस्ट भी आप इसमें बना सकते हैं। उसमें आप अपना कीवर्ड देके और कीवर्ड की लिस्ट को बना लें। ये देखिए आप अपने कीवर्ड, उसके अलावा लिस्टिंग बिल्डर, मतलब जैसे आपने हीलियम में देखा है सेम उसी तरह आप इसमें लिस्टिंग बिल्डर आप वो भी कर सकते हैं, रैंक ट्रैकर रैंक भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी थे, ये भी आप इनको प्रोडक्ट ट्रैकर अपॉर्चुनिटी फाइंडर ये चीज भी जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंडर को करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो चीज आपकी जो है वो वहां पे इस तरह आपकी रन होगी। ये आपकी इस तरह होना है। अगर हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंडर को करते हैं तो देखते हैं इस तरह आप यहाँ पे जो है वो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी फाइंडर में आते हैं। आप इस तरह जो है अपनी प्रोडक्ट को दोबारा से जो है यहाँ पे फिल्टर्स लगा कर सर्च कर सकते हैं। सेम वही आपके पास प्रोडक्ट डाटा बेस वाला इंटरफेस है। यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा क्या आएगा कि यहाँ पे आपने अपना, वैसे अपॉर्चुनिटी फाइंडर ज्यादा अच्छा होता है अगर आप इसको यूज करें। यहाँ पे आप जो है वो कंपटीशन आप कह सकते हैं भी लो हो लेकिन ज्यादा हाई कंपटीशन ना हो, इसको आप हाई से जो है वो हाई की तरफ ले आए। सीजनैलिटी तो कम हो, सीजनैलिटी वेरी वेरी हाई, हमें वेरी हाई सीजनैलिटी नहीं चाहिए होती। तो हमें जो है यहाँ पे आपने उसी तरह जो है वो फिल्टर हाई डिमांड जो है वो गुड अपॉर्चुनिटी लो कंपटीशन हमें चाहिए होता है, तो उसी तरह सेम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे, अपनी कैटेगरीज को चूज करेंगे। कैटेगरीज को चूज करने के बाद आप जो है यहाँ पे फिल्टर लगा के अब अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको भी सर्च करें, सर्च करने के बाद आपको जो है वो ये रिजल्ट्स दिखाएगा। आप डेटाबेस यूज करें, आप अपॉर्चुनिटी फाइंडर यूज करें, आप जो है वो दोनों से जो है अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं, इसी तरह आप इनको वन बाय वन अमेजोन के प्रोडक्ट पेज पे जाके इनको जो है वो देख सकते हैं। इनका मेन कीवर्ड जो है वो आप कीवर्ड स्काउट से निकाल सकते हैं। देन अपना वहां पे इनकी एक्सटेंशन को रन करते हुए आपने क्या करना है, इन अपने तमाम क्राइटेरिया को यहाँ पे मैच करना है। तो ये होता है जंगल स्काउट के। जंगल स्काउट के आप जंगल स्काउट को किस तरह यूज करते हैं, किस तरह आपने जो है वो यहाँ पे इसको यूज करते हुए आपने क्या करना होता है, इसको यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होता है। क्योंकि जंगल स्काउट भी सेम लाइक हीलियम है, तो दोनों टूल्स बहुत इजी हैं। जस्ट आप जो है इन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन प्रैक्टिस के साथ बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ आ जाएंगी। आई होप सो आप चल लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन है टूल्स के अकॉर्डिंग आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टूल्स के लिए मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है कि आप जो है वो टूल जी वाले यूज करें, हमारे टूल्स यूज करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।